जो है हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे, अच्छा से खाना खाएंगे, और रात को हम लोग महाबलेश्वर पहुँचेंगे। महाबलेश्वर में रात को 9 बजे तक पहुँचेंगे। अभी लोनावाला पहुँचे हैं, तो लोनावाला से महाबलेश्वर ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स है, क्योंकि ये हिल स्टेशन है, बहुत ठंड भी है थोड़ा। अभी तो थोड़ी देर पहले बारिश भी हो रहा था, तो कल सारे ओकेशन जो है, जितने भी फंक्शन है, वो सभी ओपन एरिया में है। लेट्स सी कैसा जाता है। सो महाबलेश्वर एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है फॉर वेडिंग्स, डेस्टिनेशन वेडिंग। सो अभी जैसे कि मानसी ने आपको बताया कि गाड़ी में कितना सारा सामान उन्होंने लेके जा रखा था, ये देखो गाड़ी मैंने खोला और खजाना, अरे बाप रे इतना सारा, इतने सारे कैमरा, हमारा सबके सामान का बैग, गिम्बल, लाइट बैग स्टैंड, तकिया चादर हम लेके जा रहे हैं गाड़ी में आराम करने के लिए। अभी मानसी ने इंस्टा से कनेक्ट किया मोबाइल गाड़ी में, देखो कैसा लग रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर्स आ रही है, यहाँ पे सन का रेस भी आ रहा है, हियर वी आर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो आ रहा है। तो अभी हम लोग ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग शॉट्स लिए हैं 360 से, आप देख पा रहे हो, बहुत ही मजा आ रहा है एक्चुअली ये देख के, रोड व्यू आ रहा है। ये ना जो वेडिंग के डेकोरेशन शॉट्स हम लोग लेंगे, ये हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि पुणे टू महाबलेश्वर डेस्टिनेशन वाइब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और मोर ओवर आपको ये समझने की जरूरत है कि क्लाइंट को ये सब इंटरेस्टिंग लगता है, इनोवेटिव लगता है, और ऐसे टाइप के शॉट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, ड्रोन में भी इतना आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अभी जो है हम लोग पहुंच गए हैं हमारे सेकंड लोकेशन में, मतलब और एक बार खाना खाने के, क्योंकि रात के बज गए अभी 8:30, और यहाँ से सिर्फ 15 मिनट दूर है हमारा महाबलेश्वर का डेस्टिनेशन। बहुत एक्साइटेड है, थोड़ा वापस थोड़ा खाना खाएंगे एंड हम लोग पहुंचेंगे हमारे लोकेशन पे, और देखते हैं लोकेशन कैसा है, क्या है वगैरह वगैरह, सुपर एक्साइटेड। तो यस, तो अभी जो है हम सब लोगों ने खाना खा लिया, खाना बहुत अच्छा था, वी हैड अ गुड फूड, अच्छा लगा। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज गए हैं कुछ लगभग 8:30 बजे है, क्लाइंट का हमको फ़ोन आया है कि फंक्शन तो 12 बजे से है, पर अभी लोकेशन में कौन सा इवेंट कहाँ कहाँ होने वाला है, तो हम क्लाइंट को मिलकर सारा डिस्कवर कर रहे हैं। सो डेस्टिनेशन चीज़ में आपको 2-3 चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि डेस्टिनेशन में क्या रहता है, लोग हमको कम लेके जाने रहते हैं, ठीक है, 3 मेंबर्स कम होने चाहिए, और हमको काम ज़्यादा करना है, एक दिन को 2-2 दिन का काम जितना करना चाहिए, तो इसीलिए हम अभी 12 बजे का फंक्शन है, पूरे जो रिसोर्ट का प्रॉपर्टी देख रहे हो यहाँ पर ऐसा फंक्शन है, तो अभी हम क्लाइंट के साथ मिल के क्लाइंट को पूछ के कौन सा फंक्शन किधर होने वाला है सब जगह देख लेंगे, और सब नोट डाउन कर लेंगे कि भाई इधर इतना लाइट लगेगा, इधर यहाँ पे यह सेटअप लगेगा, ये सब हम पूरा भी लोकेशन का देख के कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ आप लोकेशन देख पा रहे हो कि ग्रीनरी वगैरह अच्छा है यहाँ, तो फिर ऐसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो हिसाब से हम वो जगह फोटोग्राफी करेंगे, ऐसा नहीं कि कपल आ गया पोते देने को रेडी है, हम लोकेशन नहीं ढूंढ रहे, तो इसीलिए हम ये रेकी कर रहे हैं कि शाम को इधर सनराइज सनसेट अच्छा होएगा, तो वो हिसाब से हम लोकेशन में फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो लेट्स सी कौन सा फंक्शन कहाँ पे है, और मैं आपको पूरे दिन बताता रहूँगा। ये जो रूम ताला लगाया हुआ है, ओके ओके, विनायक का फंक्शन है, तो ओके ओके, विनायक के बाद अपना माहिरा है, माहिरा अपना यहाँ पे, ओके, ये रूम के अंदर बाहर से वेलकम करेंगे okay, okay. मेरी मम्मी उनके भाइयों को okay. फिर यहाँ पे आके माहिरा, यहाँ पे ना यही हॉल के बाहर वेलकम कर, हाँ हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, खाली जगह पता होना चाहिए ना कि ये है। विनायक दिखाया, विनायक होने के बाद माहिरा, माहिरा होने के बाद संगीत, संगीत होने के बाद कल सुबह फूलों की हल्दी, फूलों की हल्दी कहाँ पे, फूल साइड है, वापस अपना शादी इधर से रहेगा अपना स्वागत, ओके, और फिर शादी वहाँ पे, ओके ठीक है। तो अभी देखो जैसे क्लाइंट के साथ मैंने सब बात कर लिया, क्लाइंट ने मेरे कौन सा फंक्शन, कौन सा हल्दी कहाँ है, संगीत कहाँ है, मायरा का फंक्शन कहाँ है, छोटी छोटी विधि का अलग अलग जगह फंक्शन है, क्लाइंट ने मेरे सब बता दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, संगीत का जो हमारा वेन्यू है वो देखने जा रहे हैं कि उधर कैसे सब रहेगा,
और फिर जो क्लाइंट ने मैं इंस्ट्रक्शन दिए है वो सब हम जो टीम मेंबर उसको हम ब्रीफ करेंगे। सो इतना अच्छा वेन्यू है, मतलब मुझे लगता है डेली लाइफ में अगर कोई फंक्शन है जैसे उन लोगों ने बोला देखो येलो कलर का दिख रहा है आपको पूल साइड पे हल्दी है धूप में क्या जबरदस्त लगने वाला है। मैं ये जो वेन्यू तो पहाड़ एकदम बहुत अच्छा व्यू थी, ये सारे शॉट मैं सोच रहा हूँ अभी कल सुबह को उठ के ना धूप वाले को बोलूँ थोड़ा सनराइज का ले और मैं इधर टाइमलेस रखने का शाम को सोच रहा हूँ तो क्या होएगा पूरा ऐसा बादल आगे पीछे हो रहा है मस्त ऐसा टाइमलेस ऐसा कुछ सारे शॉट शादी और फंक्शन के पहले जो भी स्टार्ट होता है उसके पहले आपको लेने हैं तो आपको जो कटिंग चाहिए रहता है ना वो सिनेमेटिक चाहिए रहता है। सो अभी बज गया है सुबह के 9 और आज डे 1 है वेडिंग का और अभी हम लोग सबसे पहले हमारे दूसरे टीम मेंबर्स भी आए हैं 8-9 जन की हमारी बड़ी टीम है, हम उसको अभी ब्रीफिंग देने जाएंगे। ब्रीफिंग देने का मतलब है कि आप लोगों को क्या काम करना है, कैसे करना है, लोकेशन में क्या क्या है, वो ऑलरेडी पास जाके देख के आया है क्लाइंट के साथ मिल के कि यहाँ पे हमारा ये फंक्शन होने वाला है, वहाँ पे हमारा वो फंक्शन होने वाला है। सो ओवरऑल हमें पता है कि हम लोग को क्या काम करना है। ओके सो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारी पूरी ब्रीफिंग होगी, आपको दिखाते हैं ब्रीफिंग करते कैसे है। ये हमारा रूम था, मेरा पार्थ का और मेरा भाई प्रथम का भी, एंड इसके आगे का जो रूम है गुड मॉर्निंग। सो अभी जो है यहाँ पे हम लोग ब्रीफिंग करने वाले हैं विनायक पूजा का। सो जैसे ही हम लोग ये रिसोर्ट के अंदर आते हैं और रिसेप्शन एरिया आता है ना, रिसेप्शन एरिया के पहले जो लेन है, जैसे ये एक लेन थी ना आगे की लेन थी, तो उसके पहले एक लेन है, वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है और वो हॉल के अंदर उनकी विनायक पूजा है जो दोपहर को 12 बजे से शुरू होगी। पर 12 बजे से पहले उनका 11 से 12 के बीच में वहाँ पे सबके सारे गेस्ट, लड़की वाला ही है अभी, सिर्फ लड़की वाला है, तो लड़की वाले के जितने भी गेस्ट आते हैं उनका फोटो वीडियो होगा, मतलब ढोली वाला आएगा और उनका फोटो वीडियो करना है, उसमें तुम्हें और इन्हें दोनों को खड़ा रहना है, दोनों जन को क्या करना है, सारे लोग जो आ रहे हैं उनका लेना है। तब कोई लाइट का जरूरत नहीं है, पर जब ये लोग वो तैयारी कर रहे हो तब तक आप अंदर जाके दो पोटा लाइट लगा दीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पे सारा फंक्शन अंदर ही है और सीलिंग वाइट है, चाहिए तो बाउंस कर दीजिएगा, ठीक है। द रीजन यू आर हियर कि आपको जो है सभी लोगों के पोर्ट्रेट कैप्चर करना है, मतलब उनका पूरा फैमिली आपको पता होना चाहिए, ये लोग को पता हो मेरे को पता हो ना हो, पर आपको दोनों तरफ के सारे घर वाले पता होना चाहिए। उनकी मौसियाँ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी चाचियाँ इंपॉर्टेंट है, उनके पापा भी इंपॉर्टेंट है, और सब खिंचवाएंगे, कोई ना नहीं बोलता है, डांस करने को भी ना नहीं बोलता है और फोटो खिंचवाने को, बहुत ही एक्साइटेड फैमिली है, हाईली एक्साइटेड हाईली एजुकेटेड फैमिली, ठीक है। सो आपको क्या करना है, पहला फंक्शन जो है उन्होंने क्या किया, हर फंक्शन के लिए लोगों को जो है कपड़े दिए हैं, अपने खुद से कपड़े बनवा के दिए हैं, मतलब उस हिसाब के आए कि भाई कलर कोऑर्डिनेटेड हो, सब एक जैसा कपड़ा पहन के आए, उन्होंने उस टाइप का सोचा है। नए लोग आ रहे हैं, सभी लोगों का इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए, ये चाची है, ये मौसी है, मौसी की बेटियां हैं, किसी का भी छूटना नहीं चाहिए फोटो, आपका काम सिर्फ वही है, हर फंक्शन में पोर्ट्रेट खींचो, एक का एक स्टाइल मत देना, थोड़ा नया नया स्टाइल हर फंक्शन के लिए रखना कि इसमें ये किया उसमें वो किया। और मैं क्या करूंगी फोटोग्राफी में, यही मैं सिर्फ कपल का फोटोग्राफी करूंगी और कपल के कैंडिड फोटोज लूंगी, उनका प्री वेडिंग शूट जैसा भी यहाँ पे हम लोग करेंगे, और जो मेन फैमिली में कोई मस्ती करवाया या उस टाइप के जो कैंडिड मोमेंट्स रहते हैं ना सब फ्रेम में, वो मैं लूंगी। सो कहने का ये, वो मेरा काम रहेगा, तुम्हारा काम रहेगा सारे फैमिली मेम्बर्स का पोर्ट्रेट लेना, तुम्हारा काम रहेगा सारी पूरी की पूरी विधि शूट करना, कुछ भी विधि में छूटना नहीं चाहिए, और फ्लैश चल रही है अच्छे से वो पहले चेक कर लेना, फिर फ्लैश नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। और शाम के टाइम में ज़्यादा ज़रूरत रहेगा तो AD200 का फ्लैश लगा देंगे सॉफ्ट बॉक्स के साथ, तो तुम यूज़ कर लेना, है लाइट्स की अवेलेबिलिटी, तो ऐसा नहीं हो कि रिसाइकलिंग टाइम फ्लैश का बहुत ज़्यादा है और हम लोग वहाँ पे खड़े ही रह रहे, मतलब धीरे धीरे काम हो रहा है, बेहतर है कि वहाँ पे ऐसा स्टूडियो सेटअप हो कि फटाफट काम हो सके, रात की लाइट में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, अभी तो इतना टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी आपको जो है सुबह को यहाँ पे पोटा लाइट लगाने का है हॉल के अंदर, बाहर तो कुछ ज़रूरत पड़ेगा नहीं, इन लोगों को लेंसेज का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इनको पहले स्टार्टिंग में मोनोपॉड का ज़रूरत पड़ेगा, मोनोपॉड ट्राईपॉड वो सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, तो वो आप उनको दे दीजिएगा, मतलब तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में वापस पोटा लाइट शिफ्ट करना है, वो करने के बाद जो है उनका शाम का संगीत है, वापस कपड़े चेंज करने सब लोग जाएंगे, जब वो लोग चेंज करने को जाएंगे, गई कल रात को जो लॉन देखा था ना हम लोग ने, वो जो उस तरफ एक लॉन है, मतलब यहाँ से अगर आप उस तरफ जाओगे एक बड़ी सी लॉन है, ठीक है, वहाँ पे उनका पूरा का पूरा संगीत है,
तो आप लोगों को पर संगीत की तरफ मूव ऑन करना, और वहाँ पे पोर्टल लाइट ज़्यादा चाहिए रहेगी, दो पोर्टल लाइट में काम नहीं होगा, 3-4 पोर्टल लाइट लगा देना, ठीक है? क्लियर? कुछ डाउट है आपको वीडियोग्राफी के लिए? पार तो आप हो वीडियोग्राफी में, आप पूरा टाइम ट्रेडिशनल शूट करना। तो इसके मतलब यह है कि जो सिनेमेटिक का काम कर रहा है उसको सिनेमेटिक का काम करने देना। तो जो भी अगर आपको एंगल सूझता है जो सिनेमेटिक में अच्छा लगता हो तो उसको बोल दो कि वो शूट कर ले, ठीक है? आप जो है ज़्यादा सिंपल ट्रेडिशनल पूरा फंक्शन का ले लेना। हसो, है हसो हसो, थोड़ा ऊपर देखो, बैठे तो थोड़ा ऊपर। हाँ यस, बोलो तो अभी दोनों मेरी तरफ देखना एक साथ में, बोलो तो अभी 5, 4, 3, 2 दोनों देखिए साथ में, ये का पूरा सब तैयारी चल रहा है। अभी हमने यहाँ पे हमारे टेबल लगवा दिया है, तो कनेक्शन करवा दिया है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिशियन की है तो कनेक्शन करवा दिया है। और टेबल क्योंकि सब सामान हमको रखने के लिए व्यवस्थित हम रखेंगे, चार्जिंग भी करना पड़ेगा, रात तक प्रोग्राम चलने वाला तो बैटरी डाउन हो जाएगा सर कैमरा का, उसके लिए वो चार्ज पर रखने के लिए भी कनेक्शन लिया है, तो देखते हैं रात को मिलते हैं। सो अभी आप जैसे देख पा रहे हो अभी संगीत चालू होने वाला है, मेरे पीछे आपको दिख रहा है सब संगीत का सेटअप रेडी हो गया है। और अभी संगीत का सब सेटअप रेडी हो गया है, हमने क्या किया अभी कपल को साथ मानसी बात करने गई है,
सो अभी हम कपल पोर्ट्रेट देने वाले हैं, ब्राइड का पहले सोलो लेंगे। पीछे आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा लोगों ने डेकोरेशन किया है, तो यहाँ पे हम लोग बोके वाले शॉट्स हमको लेंगे, इसीलिए 50mm 1.8 और 85mm 1.2 का हमने लेंस लगाया है। हमारे पास हमने दो LC 500 लाइट्स रखी है, सो अभी हम दो LC 500 लाइट लगा के कपल के पोर्ट्रेट लेंगे। आइज क्लोज कीजिए, आइज क्लोज, मैं आइज क्लोज मैं बोलूँ तभी खाली ओपन कीजिएगा, खाली आपका आइज क्लोज अप लेना है। यस आइज क्लोज, 3, 2, 1 आइज ओपन। बंद कर दे वो वायलेट, एक मिनट बंद कर दे। हाँ हाँ यस हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यस नीचे देखो, हाँ किस करो, हाँ एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के सामने देखा। आप उनको हाथ दोगे ना, अरे आप उनको हाथ दोगे ना, हाँ थोड़ा थोड़ा अंदर जाओ, हाँ लाइट लगा लो, अभी आप ना उनको देखो, आप उनको देखो, आप नीचे देखो, हाँ आज हमारा डे 2 है
और सुबह के 5:30 है। मेरे सामने थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे सनराइज जैसा दिख रहा है। सुपर एक्साइटेड हम लोग वही एक्चुअली कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कुछ प्री वेडिंग टाइप पिक्चर्स ले रहे हैं। मेरे साथ अभी सुबह सुबह पार्थ भी उठ गया है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं शूट करने की तरफ। अभी ब्राइड के साथ बात करेंगे, उनके फोटोज़ खींचेंगे और बहुत ही सुंदर लोकेशन है इसको कवर करने में बहुत मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। कपल वाटर दारू हाँ देखो तो अभी हमने कपल पोर्ट्रेट ले लिया है। हमको कपल बहुत कम मिला है पर हमने ब्राइड और ग्रूम दोनों का सोलो ले लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने आपको बताया कि इधर दो अलग अलग विधियाँ चालू है पर विधि तो लड़की की चालू है तो लड़का फ्री है तो क्या करना है आपको कि अगर एक कोई भी जन फ्री है तो टाइम यूटिलाइज कीजिए उसका पोर्ट्रेट लीजिए। यस और अभी फिर लड़की की विधि खत्म हुई अभी लड़की आ रही है तो अभी लड़का जा रहा है। सो ठीक है उसके बाद जो है हम लोग को थोड़े से स्टार्टिंग में सनराइज शॉट्स मिले थे अभी इसके बाद भी ये विधि के बाद काफ़ी टाइम है उसके बाद हम लोग वो लेंगे। हालांकि जो प्री वेडिंग सोचा था उतना तो नहीं हुआ पर ठीक है यार जितना हुआ उतना हल्दी के जो सारे फोटोज चाहिए थे वो सारे मिल गए। हल्दी के लिए एक्साइटेड हैं बहुत। हम लोग बहुत हल्दी के लिए एक्साइटेड हैं और बहुत ही अच्छा सनलाइट है और बहुत अच्छा लोकेशन भी है। सो वी आर वेरी हैप्पी। तो अगर आपको हल्दी का ब्लॉग आगे देखना है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। हाँ क्या बाल उड़ रहा है तब हीरोइन की माफी उड़ते हैं। थोड़ा सा अंदर जाए स्लाइटली अंदर। ऋषि को बुलाओ ऋषि को बुलाओ थोड़ी भैया वही जैसे यार थोड़ा वहाँ पे देखिए थोड़ा फेस। हाँ रुकने यार रुकने। हाँ वहाँ पे देखो वहाँ पे यस अभी आप हालत से रहते Yes, 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 yes. I got the angle. एक बार हाथ छोड़ो खाली बोल तो भी पकड़ना। आप उधर देखिए आप सामने 3-2-1 हाथ पकड़िए। दोनों नीचे देखिए मैं बोलूँ तो भी खाली ऊपर देखना है स्टाइल से और प्रोजेक्ट है नीचे 3-2-1 ऊपर देखिए दोनों जन। या
वहाँ पे जाइए, आप ऐसे रहिए, वहाँ पे रहिए, थोड़ा सा ऐसे ही आना है, बाहर थोड़ा बाहर जाइए, चल के ऐसे आना है और उस जगह रुक जाना है, फोटो के लिए होल्ड करना है। शुभम बाहर थोड़ा और पीछे, यस थ्री टू वन, आइए ऐसे। Yes, ready, 12. पास में आना, थोड़ा सा दूर दूर है, पास में आना। हाँ यस, अरे दो एंड सर, यहाँ से और पास में आना, ये वाला हाथ थोड़ा नीचे करने का। हाँ हेड टच। क्या हुआ है? मेरे में सपोज़ तो लोग आप दोनों को यहाँ पे देख रहे हैं कैमरा में, और ये हिला तो नहीं, वो मैं स्टेबल कर लूँगा, आप दोनों खाली चल बारो बारो, थ्री टू वन, आइए चल चलते, आइए आइए आते रहिए, यस बहुत अच्छा आ रहा है। टच कर दीजिए दोनों ढोल को, हाँ आप बीच में रहिए, पीछे जाइए ऐसे, और वहाँ पे देख, अच्छा आप थोड़ा ऐसे करो, अभी दोनों हाथ से ऐसे करो, थोड़ा हाथ अंदर लो अंदर, हाँ थोड़ा ऊपर, अभी करो, मजा आया तारों की। लाओ लाओ ज्यादा ऊपर नहीं लगा, फटा बेटा तो ऐसा घुमाना होगा। ओके ओके, पर आपको एक्सप्रेशन कैसे देना है, तेरे घर आया हराम थी, हराम नहीं है, फिर से रेडी कर, चालू करो कैमरा, और ऊपर जाना भी नहीं, दो उंगली पकड़ना, हाँ ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे उल्टा पकड़ो, लेफ्ट वाला हाथ आगे ले, उनको कराओ ना, कराओ ना, चालू कर दीजिए, हाँ नॉर्मली घुमा जाता है ये, राइट से घुमा रहा हूँ ना मैं, हाँ हाँ हाँ, कर वन टच, क्या मानसी रेडी, हाँ वहाँ पे देखो, वहाँ पे देख के करो, करो करो, अच्छा है, सही में अच्छा है। तो अभी हम लोग को बहुत अच्छे फोटोज़ मिले, हम लोग बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी मिले, बहुत अच्छे पिक्चर्स भी मिले, बहुत ही अच्छा माउंटेन व्यू आ रहा है, हाय मैं बहुत ही खुश हूँ। अभी हम लोग थोड़ा सा खाना खाएंगे, फिर उनकी यहाँ पर हल्दी चालू हो रही है, ऑल येलो, बड़ी एक्साइटेड है, वहाँ पर भी कुछ होगा, और वहाँ पर ना फूलों का टैंकर है, एक बार दबाएंगे एक साथ फूल उड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि फूल उड़ाने पड़ेंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी तक हम लोग ये इंस्टा 360 को यूज़ कर रहे थे, ठीक है, इसकी जो है 4 फीट की हाइट है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको इतना ऊंचा लेके जा रहे थे और शॉट ले रहे थे बराबर, और कभी कभी होता था यार इससे भी लंबा चाहिए, तो अभी देखो हमारे पास और एक है यहाँ पर जो है, देखो कितना ऊपर जा रहा है, 10 फीट तक ऊपर जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हो जो 10 फुट वाला बड़ा स्टिक है वो हमने लगाया है, और रिकॉर्डिंग चालू, आप स्क्रीन पे आउटपुट देख पा रहे हो, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, और जब ड्रोन ना हो तो ऐसे स्टिक से आप ऐसा शॉट ले सकते हो, देखो कितना ऊपर गया, जो डेकोरेशन है वो है वायर के ऊपर से जा रहा है, तो वायर के अंदर से डालना पड़ रहा है, और ये लगेगा उसका ध्यान रखना है आपको, संभालना है, ये देख रहे हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से लेफ्ट किया, ऐसा घुमाया, अब देख रहे हो जो हल्दी का पूरा डेकोरेशन है वो भी आप देख रहे हो कर रहे हो, हालांकि स्टिक मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा हिल रहा है,
पर आप वो पीछे बैलेंस कर सकते हो। अभी देखिए स्टेज कितना बड़ा है कि हम जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप डेकोरेशन इससे कवर कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें 20-20 मिनट निकालिए, कपड़े में बच गया उसे संभालना है। तो जैसा कि मैम ने आपको बताया, मानसी मैम ने आपको बताया, ये जो स्टिक है इंस्टा 360 स्टिक का एक अलग से एसेसरी है जो आप परचेस कर सकते हो। पता है कितने फीट का है? 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट नहीं, ये पूरा 10 फीट का है। ये देखो आपको खोल कर दिखाता हूँ। अरे बाप रे, खुलता ही जा रहा है ये। ये वाटर प्रूफ भी, आप चालू भी कर सकते हो, पानी में डाल सकते हो। ये देखिए, ये मैंने रेडी किया और ये देखिए मेरा शॉट जा रहा है डेकोर की तरफ। तो ये से भी आप अलग अलग इससे ले सकते हो। देखिए डेकोरेशन का एक फ्रेम है, सेंटर पकड़ा, इससे आप पीछे आइए, ये जो पूरा डेकोरेशन आपको दिख रहा है, ये सारे शॉट अमेजिंग इंस्टरेंसिंग स्टॉप आप ये स्टिक से ले सकते हो। मारना है, थोड़ा मारते जाएगा। अरे ऐसा नहीं,
आप इसको बोलेंगे आपने क्या कर दिया ये वायर दरवाजा बंद कर दे। मेरा ऊंचा लो ब्लशर यहाँ पे लगा दो। आईज क्लोज। वहाँ पे सारा क्लीनिंग चल रहा है, बाई भी बनना पड़ता है। एक मिनट फाइव, एक मिनट रुबा रही है, खड़े रहो एक सेकेंड। भारती जन है, गॉगल्स ले आओ जो पहला थे। लाइट यहाँ से देता सुबह, यहाँ से दे सुबह लाइट। ये मैं काश में ले लूँ, वापस मैं काश में देखी ना आप खाली लेंगे। जो आज जा पीछे है और थोड़ा ऊपर थोड़ी देर थोड़ा मेज है। चल के आना थोड़ा पीछे जाए, थोड़ा पीछे ए सेड़े ए आइए चल के आइए। अभी आप जैसे देख पा रहे हो शादी हमारा चालू है, मेरा चालू है, अभी सप्तपति होएगा तो हम सारा टीम हमारा आप देख पा रहे हो हम लोग सब सेट है। हम लोग कोऑर्डिनेशन से आपको काम करना है, एक जन वाइड में है तो एक जन टेली में है, एक जन 50 एम पे है तो एक जन 24/105 पे है, तो आपको कोऑर्डिनेशन से काम करना है। मेक श्योर आप देख रहे हो सब ने ब्लैक एंड ब्लैक पहना है, क्यों? एक तो ब्लैक एंड ब्लैक सब पे अच्छा लगता है बस ड्रेस को दे, और मेन कारण कि कोई भी अगर फोटोग्राफर के बीच में वीडियोग्राफर आ गया ब्लैक ऐसा कपड़ा है कि फिल्म में इतना आँख को इतना नड़ता नहीं है, तो आप ऐसे ड्रेस को तो आपकी टीम के बनाइए, सब लोग देखो दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए अभी राजकुमार भाई थोड़े थक गए सुबह से काम कर रहे हैं, देखिए अभी
हम भी थोड़े थक गए सुबह का, कुछ 6 बजे को हमने देखो सनराइज दिखाया था, 5 बजे होते थे सॉरी, और अभी हो गया पूरी रात, अभी रात हो गई है, अभी और भी बाकी, अभी हम कपल का इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू इज मस्ट फॉर मेकिंग अ फिल्म, लेट्स सी हमको इंटरव्यू मिलता है कि नहीं, मुझे तो अमान से इंटरव्यू लेना ही है, अभी देखते हैं इंटरव्यू मिले तो को मिलते हैं इंटरव्यू, बाय एंड वी आर बैक। सो अभी आप बताओ आपको और क्या जानना है, ठीक है पूरा आपको ब्लॉग अगर आगे आपको जानना है तो देखिए ये शॉट, देखो मानसी कैसे क्रिएटिव शॉट कर रहे हैं, कपल को सब बोलना पड़ता है आपको कि एक दूसरे सामने देखो, बहुत सारे फोटोग्राफर सिनेमेटोग्राफर हिचकिचाते हैं, बोलते नहीं हैं, बोलो ना भाई आपको काम है बोलना, आप कपल को नहीं बोल, कपल भगवान थोड़ी है बताएगा। तो यही है आज का पूरा ब्लॉग, अभी देखो शादी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, खाली मंगलसूत्र सिंदूरी बाकी है, बाकी सब छोटी मोटी मीडिया है। तो आगे का पूरा ब्लॉग देखने के लिए लाइक शेयर और ऑफकोर्स सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो, तभी आप मेरे को अपना वीडियो देख रहे हो, और आपको चैनल पर क्या जानना है कमेंट कीजिए, जी हाँ आपके कमेंट को रिप्लाई हम करेंगे, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो इधर आप देख पा रहे हो हमने लगाया है 360 सेल्फी बूथ का सेटअप, ये सेटअप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कब के लोग आ रहे हैं, कब के उस पर एंजॉय कर रहे हैं, तो लोगों को क्लाइंट को ऐसा बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है आपको ऐसे में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इससे आप एक अच्छी आपकी कमाई भी हो सकती है और क्लाइंट को बहुत अच्छा भी लगता है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट भी है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लेना है प्रोडक्ट तो हमने लास्ट वीडियो में हमने बताया आप कहाँ से परचेस कर सकते हो, हमने भी रिसेंटली परचेस किया था, आप भी वहाँ से परचेस कर सकते हो। बंधन के मुटियारा बन के कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खन के बंधन के मुटियारा पटोला बन के, कि मेरे पीछे हमने कपल को खड़ा रखा और कपल कितना अच्छे से 360 शॉट का एंजॉय कर रहा है, और पीछे देखो साइड में स्क्रीन पे देख पा रहे हो, देखो साइड में स्क्रीन पे उसका आउटपुट दिखे, कपल कितना मजा से इसको एंजॉय कर रहा है, कपल का शॉट भी कितना अच्छा आ रहा है। तो ये सारे शॉट आवाज़ें तो हमने इसमें फ़ोन लगाया है, पर आप GoPro और फिर कोई भी एक्शन कैमरा, मिररलेस कैमरा, कोई भी कैमरा भी इस पर माउंट कर सकते हो, ऐसे सारे शॉट बहुत यूनिक और अच्छे आते हैं। तो आपको ऐसे सारे इन्वेस्ट करना है और इससे आपको बहुत भी अच्छा फायदा, कितना भी लेट क्यों ना हो जाए आपको पोर्ट्रेट बिना लेने नहीं जाना है, पोर्ट्रेट फोटो कपल के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, मानसी मैम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पर कपल ने आपको पैसे इस चीज़ के दिए हैं कि ऊपर पोर्ट्रेट आने चाहिए, क्यों मैम? पार्थ आज बहुत मेहनत की है, मैंने भी बहुत मेहनत की है, सारे सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, वी आर वेरी वेरी हैप्पी, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, मुझे इतना सारा जो आज काम था इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग में बोल नहीं सकी, पर मेरे बदले पार्थ ने बोल लिया है, थैंक यू सो मच, सी यू सून। 2019 में आई अटेंडेड अ वेडिंग देयर, तब भी से मेरे दिमाग में वही था कि मुझे शादी करनी है तो यही करनी है। तेरी मेरी राज ऐसे हवा इन सांसों में घूम क्यों। जो लोकेशन था फेरो का, तो इट वॉज माउंटेन व्यू, वो व्यू देख के ही दिल खुश हो गया। तू है आसमां जैसे समा इन आँखों में घूम क्यों, धुंधली सी है ये राहें, हाथ तू मेरा था मैं, इन वादियों से तू क्या कहे, जू में हम सवार, तू जाए जहां ले चल वहां, तू मेरा जहां, तू जाए जहां मिलेगा वहां आसमां। मतलब हमारी स्टोरी ऐसे है कि 5 साल पहले हम लोग एक फ्रेंड के वेडिंग पे मिले थे, ये जहाँ पे ये लोकेशन है यही बैठे थे शायद हम लोग, उसने मुझे शादी के ऊपर ही चढ़ाया था, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC। मैंने इसे बोला था कि तू जो बंदा देख रही है जिससे तुझे शादी करना है, वो तुझे इस जन्म मतलब लाइक बहुत मेहनत लगेगी उस चीज़ के लिए, तब तक हमारे बच्चे भी हो जाएंगे, और इसने कहा था कि मैं करूँगी और सबसे पहले पत्रिका मैं तुझे ही दूँगी, इस कार्ड के साथ मेरे को भी दे दिया सीधा। फिर उसके बाद अभी बैक टू 2022 जुलाई में इसका रिश्ता आया मेरे लिए, मतलब मेरे मम्मी पापा ने मुझे सजेस्ट किया था, मैंने उनको बहुत चिल्लाया कि मैं ये बंदा बहुत पागल है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ऐसे वैसे ये ख़त्म चीज़ वहाँ पे,
फिर इसके एक फ्रेंड ने मुझे कॉल करके कन्विंस किया कि नहीं तुम मिल उसको, 5 साल पहले अलग चीज़ होती है, अभी अलग होता है। फिर हम लोग 2 दिन बाद मिले। एक ही चीज़ उसके बारे में अच्छी लगी, ऑनेस्टी। आगे हम बढ़े, उसके बाद तो क्या ताना तानी तो चलती रहती है, तो उससे ज़्यादा प्यार बढ़ गया। नीचे बैठे और इंद्रलोक में चल रहा है, ऐसे भी उन लोगों को लग रहा था, ऐसे भी मैंने सुने हैं लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स। बट हल्दी कुछ थोड़ा हटके था, जहाँ पे हर फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व थे। अपोजिट है। आई एम अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, मैं हमेशा बुक्स इसमें रही हूँ और ये हमेशा बुक को हाथ ही नहीं लगाया जाता, तो वो चीज़ें एक साथ लाने में हमारा समय जो निकल जाता है ना, तो बोर नहीं होता है। #रिश्ता